आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की। पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा ट्रांसुलेंट और थर्ड ओपेक। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसके आर पार हम वस्तुओं को देख सकते हैं, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा है ट्रांसुलेंट यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसके माध्यम से हम वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं परंतु हमें वस्तुओं की स्पष्टता नहीं दिखाई देती, ऐसे पदार्थ को पारभाषी पदार्थ कहते हैं। तीसरा है ओपेक यानी कि अपारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते, उन पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आइस इज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट यानी कि बर्फ एक पारदर्शी पदार्थ है या एक पारभाषी। तो इस सवाल का जवाब है कि बर्फ एक पारभाषी पदार्थ है, अर्थात हम बर्फ से किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं परंतु हमें उस वस्तु की स्पष्टता साफ नहीं दिखाई देती, इसीलिए बर्फ एक ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट है। अब आप इन तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। जैसा कि आपको आगे बताया गया है उसी तरीके से इन तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट का डिफरेंस करके एक चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है।